आज हम आपको दंड उत्तानासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाला एक आसन है। इस आसन को करते समय शरीर दंड मारते हुए शरीर को तनी हुई स्थिति में आता है, इसलिए इसे दंड उत्तानासन कहते हैं। किसी भी योग, ध्यान, योग या अन्य किसी यौगिक क्रिया को करते समय मुस्कुराहट व प्रसन्न चित्त के साथ इन क्रियाओं को करें, जिससे इन क्रियाओं का लाभ दो गुना मिलेगा। दंड उत्तानासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर एक फासला लेकर खड़े हो जाएं। अब हाथों को मुट्ठियां आपस में बांधते हुए श्वास छोड़ते हुए पूरा ताने और नीचे दंड लगाते हुए स्थिति में बैठें। 4-5 सेकंड रुकने के बाद फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर वही चक्र दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे पूरी ताकत के साथ ताने और नीचे झुक कर बैठें। 4-5 सेकंड रुकने के बाद श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति पर आ जाएं। यह था दंड उत्तानासन। श्वसन का आपको ध्यान रखना है, श्वास छोड़कर नीचे जाना है, श्वास लेकर सामान्य स्थिति पर आना है। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो 5-5 बार अर्थात 10 बार, अन्य आसनों के साथ कर रहे हैं तो 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान या मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे। जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं भी तनाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। यह आसन मलाशय, आतो, जांघों, नितंबों को मजबूत बनाता है। यह आसन पीठ के मध्य भाग, श्रोणी तथा गर्भाशय की पेशियों और साथ ही साथ घुटनों और टखनों को भी सुदृढ़ बनाता है। यह आसन शरीर में प्राण प्रवाह को बढ़ाता है, पैरों को मजबूत बनाता है। स्त्रियों के लिए यह लाभदायक आसन है। इस आसन को करने से कब्ज दूर होता है, जिससे पाचन सुधरता है, भूख खुल कर लगती है, नितंबों और जांघों की चर्बी कम होती है, हाथ और कंधे भी मजबूत होते हैं, एड़ी व टखने भी स्वस्थ होते हैं, उदर के आंतरिक अंग तथा हृदय और फेफड़ों की अच्छी मालिश हो जाती है, इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। यह आसन स्वाधिष्ठान व मूलाधार चक्र को सक्रिय, शुद्ध व संतुलित करने का काम करता है। जो स्त्रियां गर्भाशय भ्रंश से पीड़ित हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्भाधान के 3 महीने बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। घुटनों के रोगी या टखनों के रोगी, गंभीर रोगी भी इस आसन के प्रयोग करने से बचें। तो यह था दंड उत्तानासन योग करने की विधि व उसके लाभ।